हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पावर ग्रिड में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन का फाइनल रिजल्ट और ऑफिशियल कट ऑफ आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले। ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, आज की ही डेट 28 अक्टूबर 2024 की ये नोटिस है और इस वीडियो में बताएंगे कि रीज़न वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई है और ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर कॉल हुआ है तो उसके बारे में बताएंगे। 7 फरवरी को इसका दोस्तों आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी को इसका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था। बहुत लंबे समय पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था और तब से बहुत सारे समय से रिजल्ट पेंडिंग में था। फाइनली दोस्तों यहाँ पर इसका रिजल्ट फाइनल लिस्ट और रीजन वाइज कट ऑफ आ गई है। अभी पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की डेडिकेटेड वैकेंसी आई हुई है। आप हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत तगड़ा बैच चल रहा है भरत सर के द्वारा और पावर ग्रिड के ऑथेंटिक क्वेश्चंस, पावर ग्रिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संकल्प बैच में कराए जा रहे हैं। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं और संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीज़न वाइज देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनआर रीज़न की जो परसेंटेज में कट ऑफ है, ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी रहेगी। तो एनआर वन में देखिए यूआर की कट ऑफ 69% गई है, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 68, एससी की 63%, ठीक है। एनआर सेकंड में देख सकते हैं कि 64% गई है। एनआर थर्ड में देखिए, पहले ही मैंने बताया था कि एनआर थर्ड फर्स्ट मोस्ट डेंजरस रीजन है, ठीक है। 70% यूआर की कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस की 65 और आप देख सकते हो कि ओबीसी की 73% कट ऑफ गई है, ठीक है। यानी कि ओबीसी की कट ऑफ 70 से ज़्यादा गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की डाउट में रहेंगे कि यार ओबीसी कट ऑफ जनरल से कैसे चली गई। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर किसी भी कैटेगरी में, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने एज की वजह से वो सिर्फ ओबीसी में एलिजिबल होते हैं। और होता क्या है कि जब बंदे ओबीसी में एलिजिबल हैं वो जनरल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी से भी हाई चली जाती है। क्योंकि वे अगर आप ओबीसी का एज रिलेशन ले रहे हैं तो आप जनरल में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ईआर फर्स्ट, ईआर सेकंड, एनईआर, एसआर फर्स्ट, एसआर सेकंड, डब्ल्यूआर सेकंड की कट ऑफ दे सकते हैं और यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन आईडी दी गई है। एनआर फर्स्ट की लिस्ट है, एनआर टू की लिस्ट है, पूरी लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर एक नीचे लिखा भी गया कि द कॉल लेटर एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन ऑब्लिक ईमेल ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द देयर कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। आप अपना देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आर मेड अवेलेबल हो गया है कैंडिडेट लॉगिन में, अपना कैंडिडेट लॉगिन कीजिए और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से बोला था कि भाई अपना ईमेल वगैरह चेक कर लीजिए, फर्दर आपको रिपोर्टिंग डेट वेन्यू आप सभी ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ये पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के 10 से 15 मिनट बाद मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।